फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। भाई जब से कंगना रनौत एक्ट्रेस से नेता बनी है तब से उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ती ही जा रही है, कभी उनके बेबाक बयानों की वजह से तो कभी उनके वीडियोस की वजह से। हाल ही में एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ी है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कंगना ने एक हैरान करने वाला दावा किया, जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया। जी हाँ, सही सुना आपने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताती नजर आई हैं, वो भी कंगना रनौत, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। राजनीतिक हस्तियों के ये वीडियो शेयर किए जाने के बाद कंगना के बयान को लेकर हर तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी लताड़ा जा रहा है। भारत के राजनीतिक इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के बारे में उनके दावे पर खूब सारे रिएक्शंस और उनमें ज्ञान की कमी को बताते हुए यूजर्स ने कंगना को लताड़ा है और काफ़ी चुटकी भी ली है। उनके बयान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चर्चा को बहस के रूप में तब्दील कर दिया है। कई यूजर्स ने उनके दावे के बाद फैक्चुअल ज्ञान की कमी पर सवाल उठाए, तो वहीं कुछ लोगों ने यह कहा कि किस लड़की को बीजेपी ने अपनी टीम में ले लिया है, इसे तो कुछ पता नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कंगना रनौत को जोकर तक बता रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत लगातार अपने बयानों की वजह से खबरों में है और इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। हमेशा दूसरों को ज्ञान देने वाली और इसके साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स को उनके ज्ञान की कमी के चलते ट्रोल करने वाली कंगना रनौत अपने इस बयान की वजह से काफी बड़ी मुसीबत में है। आप देख सकते हैं लोग किस तरीके के पोस्ट कर कंगना रनौत को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि कंगना भी आलिया से कोई कम नहीं है। आलिया जिस तरीके के बेतुके बयान देती है, कंगना ने अब वही साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। कंगना रनौत को ट्रोल किया जा रहा है, उनके इस बयान की काफी धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।